विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने बुधवार को प्रातः वार्ड क्रमांक 27 की आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनी में जनसंपर्क किया। आर्मी परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और सहयोग के लिए आश्वस्त किया। सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। इस दौरान वार्ड क्रमांक 27 स्थित विकास समिति कृष्णा कॉलोनी द्वारा दिया कुमारी का भव्य स्वागत किया गया। दिया कुमारी ने देवदर्शन को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि वार्डवासियों से मिले अपार और समर्थन से मैं अभिभूत हूँ। इसके पश्चात दिया कुमारी का विद्याधर नगर स्थित बांगड़ मेंशन में महेश्वरी समाज द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया और आने वाले चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की बात कही। युवा मोर्चा की बैठक में क्या जोश का संचार। दिया कुमारी विद्याधर नगर मंडल के युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए और युवा शक्ति को बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा से मिल रहा यह सम्मान असीम ऊर्जा का संचार करने वाला है। उक्त कार्यक्रम में विद्याधर नगर के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री राजू मुरलीपुरा, के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री मोनू पंडित, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनुराधा महेश्वरी, प्रवक्ता मुकेश पारिक, पार्षद सुमन रघुवंशी, विस्तारक शुभम आदि उपस्थित रहे।